नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन शुरुआत करेंगे इसके पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक, बढ़ते कोरोना केस पर जताई चिंता, कहा वैक्सीन ने तीसरी लहर से बचाया। फिजी में बना दक्षिण प्रांत क्षेत्र का पहला चिल्ड्रन हर्ट हॉस्पिटल, भारत के सहयोग से बना हॉस्पिटल, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। आपके मध्य से जूझ रही कांग्रेस, सुनील जाखड़ और केवी थॉमस ने सभी पदों से हटाया, सोनिया गांधी ने लिया फैसला। दिल्ली में ऑपरेशन बुलडोजर पार्ट टू, अतिक्रमण के खिलाफ चला गया अभियान, अस्थायी निर्माण को हटाया गया। और राजधानी में नहीं थम रहा कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए 1204 नए मामले, 843 मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। बुलेटिन शुरुआत करेंगे। देश में कोरोना के केस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। दिल्ली, यूपी, कर्नाटक समेत 10 राज्य में ऐसे हैं जहां पर खतरे के संकेत मिल सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। सभी पक्षों के सुनने के बाद पीएम मोदी ने राज्यों को संबोधित किया है और बताया है कि आगे क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए अस्पतालों में सभी जरूरी उपकरणों की मौजूदगी में सुनिश्चित की जानी चाहिए। अगर कहीं कोई कमी है तो टॉप लेवल पर उसे दूर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि हम कोरोना के खिलाफ लड़ते रहेंगे और रास्ते भी निकालते रहेंगे। कोरोना को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में राज्यों के मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक हुई है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इससे लड़ने के लिए वैक्सीन ही सबसे बड़ा कवच है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्यों की भूमिका अहम है। बैठक में सभी पक्षों को सुनने के बाद पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। हमने देखा है कई देशों में इसके नए वेरिएंट आए हैं। भारत में हम कोरोना को काबू करने में सक्षम रहे हैं। कुछ राज्यों में जिस तरह से केस बढ़े हैं उससे हम अलर्ट करने की जरूरत है। साथियों, बीते दो वर्षों में कोरोना को लेकर ये हमारी 24वीं मीटिंग है। कोरोना काल में जिस तरह केंद्र और राज्यों ने मिलकर काम किया उसने कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों, राज्य सरकारों और अधिकारियों के साथ सभी कोरोना वॉरियर्स की प्रशंसा करता हूं। साथियों, कुछ राज्यों में से कोरोना के फिर से बढ़ते केसेस को लेकर हेल्थ सेक्रेटरी ने अभी हमारे सामने विस्तार में जानकारी रखी है। आदरणीय गृहमंत्री जी ने भी कई महत्वपूर्ण आयामों को हमारे सामने रखा। साथ ही आप में से कई मुख्यमंत्री साथियों ने भी कई जरूरी बिंदुओं को सबके सामने प्रस्तुत किया है। ये स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं ये यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कुछ देशों में इन सब वेरिएंट्स की वजह से कई सर्ज आए हैं। हम भारतवासियों ने कई देशों की तुलना में अपने देश में हालात को काफी बेहतर और नियंत्रण में रखा है। इन सब के बावजूद पिछले दो हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। हमारे पास कुछ महीने पहले जो लहर आई उस लहर ने हमने उसमें से बहुत कुछ सीखा भी है।
सभी देशवासी ओमिक्रॉन लहर से सफलतापूर्वक निपटे, बिना पैनिक किए देशवासियों ने मुकाबला भी किया। साथियों, 2 साल के भीतर देश ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई तक कोरोना से जुड़े हर पक्ष में जो भी आवश्यक है वहां मजबूती देने का काम किया है। तीसरी लहर में किसी भी राज्य से स्थितियां अनियंत्रित होने की खबर नहीं आई। इसको हमारे कोविड वैक्सीनेशन अभियान से भी काफी मदद मिली। देश के हर राज्य में, हर जिले में, हर क्षेत्र में, चाहे वहां की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी भी रही हो, वैक्सीन जन जन तक पहुंची है। प्रत्येक भारतीय के लिए ये गौरव की बात है कि आज भारत की 96% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। 15 साल के ऊपर उम्र के करीब 85% नागरिकों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। साथियों, आप भी समझते हैं और दुनिया के ज्यादातर एक्सपर्ट्स का निष्कर्ष यही है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा कवच है। हमारे देश में लंबे समय बाद स्कूल्स खुले हैं, क्लासेस शुरू हुई है। ऐसे में कोरोना केसेस के बढ़ने से कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए चिंता बढ़ रही है। कुछ स्कूल्स में बच्चों के संक्रमित होने के मामले में भी कुछ न कुछ खबरें आ रही है, लेकिन संतोष का विषय है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीन का कवच मिल रहा है। मार्च में हमने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। अभी कल ही 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भी कोवैक्सीन टीका की परमिशन मिल गई है। सभी एलिजिबल बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण यह हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए पहले की तरह स्कूलों में विशेष अभियान भी चलाने की जरूरत होगी। टीचर्स और माता पिता इसे लेकर जागरूक रहें, हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा। वैक्सीन सुरक्षा कवच की मजबूती के लिए देश में सभी वयस्कों के लिए प्रिकॉशन डोज भी उपलब्ध हैं। टीचर्स, पेरेंट्स और बाकी एलिजिबल लोग भी प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। इस तरह भी हमें उन्हें जागरूक करते रहना होगा। साथियों, तीसरी लहर के दौरान हमने हर दिन 3 लाख से ज्यादा केसेस देखे हैं। हमारे सभी राज्यों ने इन केसेस को हैंडल भी किया और बाकी सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को भी गति दी। यही बैलेंस आगे भी हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहना चाहिए। हमारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स नेशनल और ग्लोबल सिचुएशन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। उनके सुझावों पर हमें प्रीएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करना होगा। इन्फेक्शंस को शुरुआत में ही रोकना हमारी प्राथमिकता पहले भी थी और अब भी यही रहनी चाहिए। ओशनिया महाद्वीप के देश फिजी में भारत के सहयोग से एक बच्चों का अस्पताल बना है। साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी ने आज इसका उद्घाटन किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि भारत और फिजी के रिश्ते आपसी सम्मान और सहयोग पर टिके हैं। वहीं पिछले कुछ दशकों में दोनों ही रिश्ते पर हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और मजबूत किया गया है। साथ ही फिजी में श्री सत्य साई संजीवनी
चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। वहीं इस अवसर पर फिजी के उनके समक्ष फ्रेक बेमिनरामा और साथ ही साई प्रेम फाउंडेशन के जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह अस्पताल दोनों देश के पारस्परिक रिश्तों और प्रेम का एक प्रतीक है, साथ ही यह भारत और फिजी की साझा यात्रा का एक और अध्याय है। उन्होंने कहा है कि मुझे विश्वास है कि यह हॉस्पिटल फिजी और इस पूरे क्षेत्र में सेवा और एक मजबूत अस्थान बनेगा, साथ ही अधिष्ठान बनेगा। साथ ही उनका यह कहना है कि भारत फिजी के रिश्तों को नई ऊंचाई देगा। और फिजी के मेरे प्यारे भाई और बहनों, नीसाम बुलाविना का नमस्कार। सुबह में श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रंस हार्ट हॉस्पिटल के इस शुभारंभ कार्यक्रम में जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसके लिए हिज एक्सलेंसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी और फिजी की जनता का आभार प्रकट करता हूं। ये हमारे आपके पारंपरिक रिश्तों और प्रेम का एक और प्रतीक है। ये भारत और फिजी की साझा यात्रा का एक और अध्याय है। मुझे बताया गया है कि चिल्ड्रंस हार्ट हॉस्पिटल न केवल फिजी में बल्कि पूरे साउथ पैसिफिक रीजन में पहला चिल्ड्रंस हार्ट हॉस्पिटल है। एक ऐसे क्षेत्र के लिए जहां हृदय से जुड़ी बीमारियां बड़ी चुनौती हो, ये हॉस्पिटल हजारों बच्चों को नया जीवन देने का माध्यम बनेगा। मुझे संतोष है कि यहां हर बच्चे को न केवल वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट मिलेगा बल्कि सभी सर्जरीज फ्री ऑफ कॉस्ट भी होगी। मैं इसके लिए फिजी गवर्नमेंट को, साई प्रेम फाउंडेशन फिजी को और भारत के श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रंस हार्ट हॉस्पिटल की बहुत बहुत सराहना करता हूं। विशेष रूप से इस अवसर पर मैं ब्रह्मलीन श्री सत्य साई बाबा को नमन करता हूं। मानवता की सेवा के लिए उनके द्वारा रोपा गया बीज आज वटवृक्ष के रूप में लोगों की सेवा कर रहा है। मैंने भी पहले भी कहा है कि सत्य साई बाबा ने अध्यात्म को कर्मकांड से मुक्त करके जन कल्याण से जोड़ने का एक अद्भुत काम किया था। शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्य, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके कार्य, गरीब पीड़ित वंचित के लिए उनके सेवा कार्य आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। दो दशक पहले जब गुजरात में भूकंप से तबाही मची थी, उस समय बाबा के अनुयायियों द्वारा जिस प्रकार पीड़ितों की सेवा की गई, वो गुजरात के लोग कभी भी भूल नहीं सकते हैं। मैं इसे अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि मुझे सत्य साई बाबा का निरंतर आशीर्वाद मिलता रहा। अनेक दशकों के साथ उनके साथ जुड़ा रहा और आज भी इनकी कृपा बनी रहती है। साथियों,
हमारे यहां कहा जाता है परोपकाराय सताम विभूतयः, अर्थात परोपकार ही सज्जनों की संपत्ति होती है। मानव मात्र की सेवा, जीव मात्र का कल्याण, यही हमारे संसाधनों का एकमात्र उद्देश्य है। इन्हीं मूल्यों पर भारत और फिजी की साझी विरासत खड़ी हुई है। इन्हीं आदर्शों पर चलते हुए कोरोना महामारी जैसे कठिन समय में भी भारत ने अपने कर्तव्यों का पालन किया है। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हुए भारत ने दुनिया के 150 देशों की ओर दवाएं भेजी, जरूरी सामान भेजा, अपने करोड़ों नागरिकों की चिंता के साथ साथ भारत ने दुनिया के अन्य देशों के लोगों की भी चिंता की। चलिए फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। बात स्वागत है आपका। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद आपसी मतभेदों से जूझ रही कांग्रेस ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ और के वी थॉमस को सभी पदों पर हटा दिया गया है, सभी पदों से हटा दिया गया है। साथ ही कांग्रेस की कार्यकारिणी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह फैसला अनुशासनहीनता के लिए लिया है। साथ ही इससे पहले कांग्रेस की अनुशासन नात्मक कार्रवाई समिति ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से अनुशंसा की है और साथ ही अनुशासनहीनता के लिए पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ को पार्टी के सभी पदों से हटाया जाए, वही 2 साल के लिए निलंबित किया जाए। साथ ही सूत्रों के माने तो अनुशासनहीनता के मामले में ही पार्टी के केरल इकाई के वरिष्ठ नेता के वी थॉमस की कड़ी चेतावनी देने और पार्टी की समितियों से हटाने की सिफारिश की गई है। समिति ने मेघालय के 5 विधायकों को निलंबित करने की भी अनुशंसा की है। साथ ही इस विधायक के रे पार्टी के रुख के खिलाफ जाकर प्रदेश सरकार का समर्थन करने का फैसला लिया है था। साथ ही कांग्रेस सूत्रों के अनुसार पार्टी के वरिष्ठ नेता एके एंटनी भी अध्यक्षता वाली इस समिति की मंगलवार को बैठक हुई जिसमें यह अनुशंसा करने का फैसला किया गया। बता दें आपको 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद आपसी मतभेद कांग्रेस में लगातार देखने को मिल रही है और जिसको लेकर अब कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ और केवी थॉमस को उनके पदों से हटाया गया है। साथ ही कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह फैसला लिया है। बता दें आपको कि उनका यह कहना है कि
कांग्रेस की अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से अनुशंसा की है और अनुशंसाहीनता के लिए पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ को पार्टी के सभी पदों से हटाया जाए, ये उनका कहना था। जिसको लेकर अब सोनिया गांधी ने फैसला लेते हुए आपको बता दें कि सुनील जाखड़ और केवी थॉमस को सभी पदों से हटा लिया गया है। साथ ही सूत्रों की माने तो अनुशासनहीनता के मामले में ही पार्टी के केरल इकाई के वरिष्ठ नेता केवी थॉमस को भी कड़ी चेतावनी दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुए तोड़फोड़ के मामले में बीजेपी सांसद और युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने जांच के शामिल होने को कहा गया है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वे बहुत जल्द ही जांच में शामिल होंगे। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल द्वारा दिए गए भाषण के मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया था और प्रदर्शनकारी धरने और जो आपको बता दें कि नारेबाजी के बीच अचानक कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ते हुए बूम बैरियर तक पहुंच गए। साथ ही आरोप है कि इन लोगों ने बूम बैरियर तोड़ डाला। साथ ही इस मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों की जमानत याचिका मंगलवार को कोर्ट में खारिज कर दी गई। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे प्रदर्शनकारियों के मन में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के लिए भी कोई सम्मान नहीं है। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर प्रदर्शन के दौरान हमले को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं करने पर पुलिस को फटकार भी लगाई है। अदालत ने पुलिस द्वारा बंदोबस्त के संबंध में दायर की गई स्थिति रिपोर्ट से असंतुष्ट जताते हुए कहा है कि संवैधानिक पदाधिकारी के आवास पर घटना एक बहुत ही परेशान करने वाली स्थिति है। अदालत ने पुलिस आयुक्त को मामले को देखते हुए उचित सीलबंद रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। साउथ दिल्ली नगर निगम ने मंगलवार को शहर के कई इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। सभी इस दौरान आपको बता दें कि सभी 4 जोन में अस्थायी निर्माण को हटाया गया। इसके अलावा अवैध होर्डिंग और सड़क के किनारे खड़े वाहन को भी जब्त किया गया है। वहीं साउथ दिल्ली नगर निगम अधिकारियों ने आपको बता दें कि अधिकारियों के मुताबिक इस दौरान करीब 5 किलोमीटर सड़क को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया था। साउथ दिल्ली नगर निगम ने यह अभियान दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के उस पत्र के बाद चलाया जिसमें उन्होंने दक्षिण और पूर्व नगर निगम को रोहिंग्या, बांग्लादेशी और अन्य असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की थी। इसमें पहले उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया था। इसी जगह पर 16 अप्रैल को हिंसा फैली थी। वहीं एमसीडी ने अभियान पर अभी काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को रोक दिया गया है। साथ ही एसडीएमसी मेयर मुकेश सुड़ियान ने सोमवार को कहा है कि सरकारी जमीनों और सड़क साथ ही फुटपाथ को खाली कराने के लिए 1 महीने लंबा अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि इस अभियान के तिलक नगर, शाहीन बाग, ओखला, मदनपुर, खादर, हरिनगर में चलाया जाएगा। अधिकारी के मुताबिक सूर्यान, मदनपुर, खादर, जेतपुर और साथ ही सरिता बिहार को बुधवार के दौरा करेंगे और इस दौरान यहां पर अतिक्रमण की जानकारी लेंगे। राष्ट्र राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली में फिर एक बार 1000 के ऊपर कोरोना केस के मामले सामने आए हैं। राजधानी में बीते 24 घंटों में 1204 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 863 मरीज स्वस्थ होकर घर गए हैं। साथ ही इस दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इस दौरान सकारात्मकता दर 4.64% रही है। वहीं एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 4,508 तक पहुंच गई है। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को 1,011 मामले सामने आए थे और एक व्यक्ति की मौत हुई थी, जबकि सकारात्मकता दर बढ़कर 6.42% हो गई है।
चलिए दिल्ली एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए साधना प्लस न्यूज, नमस्कार।